Assalamualaikum, grade 4. I hope you all are fine. A very good morning to you all. Let's start. Today we have to study a new lesson, lesson number 3, how animals live. First we have to mention date, that is 5 May 2021, and today is Wednesday. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. All living things need food. सब जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है. वाटर, पानी, एयर, वर्म्स एंड अ प्लेस टू लिव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज. खुराक, सब जानदारों को खुराक, पानी, हवा, वर्म्स यानी गर्माइश, अ प्लेस टू लिव और रहने की जगह एंड प्रोटेक्शन, हिफाजत. प्रोटेक्शन का मतलब होता है हिफाजत. फ्राम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से. दे अडप्ट themselves to their surroundings, उन्होंने अपनाया हुआ होता है ख़ुद को अपने इर्द गिर्द की जगह से. adapt का मतलब है अपनाना. surroundings यानी इर्द गिर्द का माहौल जो भी होता है उनका. this adaptation is important for living things to survive. survive का मतलब ज़िंदा रहना. ये जो अपनाना है उनका अपने इर्द गिर्द के माहौल को, ये ज़रूरी है उनको ज़िंदा रहने के लिए. Without proper adapting themselves to their surroundings, they cannot get the things necessary for life. अगर वो इस माहौल में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उस माहौल के मुताबिक उनको अपने आप को ढालना होता है, अदरवाइज वो नहीं ज़िंदा रह सकते. ओके. A tiger cannot live in a desert. desert का मतलब है सहरा. जो चीता है, टाइगर है, वो डेजर्ट में नहीं रह सकता. वेयर एज अ कैमल कैन, एक कैमल ऊंट वो रहता है डेजर्ट के अंदर. द कैमल कैन सर्वाइव इन ए प्लेस वेयर देयर इज़ वेरी लिटल वाटर. जो कैमल है वो बेसिकली डेजर्ट का इसलिए एनिमल कहा जाता है बिकॉज वो बहुत ही थोड़े पानी में सर्वाइव कर जाता है, ज़िंदा रह लेता है बहुत दिन तक. इट हैज़ अ हम on its back in which it stores food and water. हमने देखा है ये कोहान होती है कैमल की बैक पे, जिसमें वो स्टोर करता है पानी और खुराक बहुत अरसे तक, इसीलिए वो ज़िंदा रहता है. इन दिस वे इट कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज. सेवरल डेज बहुत ज़्यादा दिन. अ टाइगर डज नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज एंड कैन नॉट लिव इन अ डेजर्ट. जबकि जो टाइगर है उसमें कोहान नहीं है. दैट इज़ वाई द टाइगर कैन नॉट सर्वाइव इन अ डेजर्ट. ओके. यहाँ तक अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, दोबारा रीड आउट कीजिएगा, ख़ुद से करिएगा ताकि आपको और क्लियरली समझ आ सके. ओके, टेक केयर.